तो हेलो नमस्कार साथियों, क्या आप भी बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं? क्या आपने भी बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम दिया है? तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी लोग कट ऑफ कितना रहने वाला है इस पे बात करेंगे, जो कि बहुत चर्चित विषय बन चुका है, और सबको कितना बोनस अंक मिलने वाला है इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूँ साथियों कि जिन भी साथियों का 60 से 65 नंबर के बीच बन रहा है, उनकी तो बल्ले बल्ले है। तो क्या है महत्वपूर्ण बातें, आज चलिए इस वीडियो के माध्यम से करते हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो आपका अभी जारी हुआ है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्राइमरी का आपका आंसर की जारी कर दिया गया है। तो प्राइमरी का आंसर की जारी किया गया है, और अभी बचा किसका है? आपका 6 to 8 का बचा हुआ है। 6 to 8 है, 9, 10 का है, और 11, 12 का है। तो इसमें हम सभी लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और बीपीएससी TRE 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, एक्यूरेट मैं आपको डेट जो बताऊँगा उसी डेट पर आपका रिजल्ट आएगा, इतना याद रखिएगा। क्योंकि यह सूत्रों के हवाले से जो खबर जानकारी आई है उस पर मैं बात कर रहा हूं, और कट ऑफ कितना रहने वाला है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तो इसका भी मैं इस पर भी हम बात करने वाले हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूं सीधा बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो साथियों, अगर बात करें हम तो इसमें हमको सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, ठीक है, सूत्रों के, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही पता करते हैं और इसी के आधार पर सभी लोग बोल रहे हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, सब 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर तक आपका क्या है, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें खुद की, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यह जो है सितंबर लास्ट तक, ठीक है, सितंबर लास्ट तक आपका क्या है, बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट आ जाएगा। निश्चित तौर पर इसको आप स्क्रीनशॉट बनाकर रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात कर लें, क्योंकि आप इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमको भी पता है, और इसमें अब जो है वो अंतिम स्टेज पर है ये भर्ती, ठीक है। इसमें आपका प्राइमरी का आ गया है, और अभी हम बात करते हैं 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 का आंसर की कब जारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम इसमें। तो देखो कट ऑफ क्या रहने वाला है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इस पर अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ की अगर बात करें तो आपने TRE 1 दिया है, ठीक है, TRE 1 दिया और TRE 2 दिया, ठीक है। TRE 1 और TRE 2 में जो भी साथी शामिल थे, आपने देखा होगा जो भी कट ऑफ आपका रहा है, जो भी कट ऑफ रहा है उससे कम रहने वाला है इस बार, इसको याद रखिएगा, कम ही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, TRE 1 और TRE 2 से इस बार का जो कट ऑफ रहेगा आपका, वो क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। निश्चित तौर पर ये एकदम सटीक जानकारी है, आप इसको स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको जो बता दूं, 28,000 के आसपास जो वैकेंसीज थी आपकी, और उसमें 1,30,000-35,000 के आसपास फॉर्म पड़े थे, ठीक है, और उसमें से कुछ लोगों ने परीक्षा भी नहीं दिया था। उस आधार पे एक्यूरेट डाटा जो है वो आयोग को ही पता होता है, तो उस आधार पे कहा जाए तो आपकी ये जो कट ऑफ रहेगी, इस बार की कट ऑफ जो रहेगी, वो आपके TRE 1 और TRE 2 से कम रहने वाली है, ठीक है, ये बातें। और अगर हम बात कर लें साथियों, इसी के आधार पे आपको बोला जा रहा है कि जिन भी साथियों का 60 से 65 नंबर बन रहा है, 60 से 65 अगर नंबर उनका बन, जिसका भी बन रहा है, तो उन साथियों को तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है, उनकी तो बल्ले बल्ले हैं, उनको इसमें अपना डॉक्यूमेंट अब तैयार करना है, रेडी रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। आप 60-65 वाले अगर हैं तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, उससे ऊपर है आपका तो आप बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ से याद रखिएगा। और आगे अगर हम बात कर लेते हैं आंसर की कब तक आएगी, देखो इसमें हम अगर बात कर लेते हैं, एक तो आपका 9 से 10 का हो गया, ठीक है, सॉरी, इसमें आपका क्या हो जाएगा, 6 to 8 हो जाएगा, और इधर आपके हम बात कर लेते हैं 9-10 हो गया, और 11 और 12 का हो गया। तो देखो अगर हम बात करते हैं 6 to 8 का, तो 6 to 8 का लगभग 31 अगस्त, ठीक है, यानी कि कल तक ये आपकी आंसर की आ जाएगी। और 9-10 की अगर बात करते हैं तो ये भी आपका 2 सितंबर तक, ठीक है, 2 सितंबर तक आपका क्या जारी हो जाएगा, 9-10, 11-12 का आंसर की जारी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें अगर आप लोगों को समझ में आ रही हैं, तो मैं थोड़ा सा इसी में आपको बताना चाहूँगा कि जिन भी साथियों ने हेडमास्टर का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, जिन भी साथियों ने हेडमास्टर का एग्ज़ाम दिया था, तो आपको हम बता दें हेडमास्टर का भी जो आंसर की है वो 1 सितंबर को,
ठीक है, 1 सितंबर को आपका क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। 1 सितंबर को हेडमास्टर का जो आंसर की है वह भी आपका क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे मैं कुछ कॉमन बातें करना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हम बात कर लेते हैं, देखो अगर कुछ कॉमन नंबर की मैंने कहा, कॉमन जो बोनस अंक मिलने वाले हैं, ठीक है, बोनस अंक की बात कर रहा था मैं, ठीक है, बोनस अंक, तो याद रखिएगा जीएस में आपके 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन जीएस में। और वहीं अगर रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं, रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो 1 क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ में अगर लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज में भी आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन पर आपत्ति की गई है। और याद रखिएगा ये आपको बोनस के तौर पर कम से कम 8 नंबर, 5 से 6, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ, इतने नंबर आपको बोनस के तौर पर देखने को मिलेंगे। और याद रखिएगा साथियों, आपने देखा होगा कि बीपीएससी जो है, ठीक है, बीपीएससी जो है वो ऑप्शन ई के तौर पर ऑप्शन देता है, जो आप क्वेश्चन पेपर बनाता है ऑप्शन ई वाला क्वेश्चन पेपर बनाता है, ठीक है, ऑप्शन ई वाला जो क्वेश्चन पेपर बनाता है उससे क्या होता है कि बीपीएससी अपने बचाव के लिए ऐसा ऑप्शन देती है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन जो है वो बीपीएससी अपने बचाव के लिए देती है, ताकि उसमें क्या होता है, या तो आंसर हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है या एक भी नहीं हो सकता है, तो इसमें क्या होता है बीपीएससी अपने बचाव के लिए ऐसा ऑप्शन देती है। तो बिल्कुल साथियों निश्चिंत रहिएगा, इतने अंक जो मैंने आपको बताए कि 5 से लेकर 6 अंक जो हैं वो आपको बोनस के तौर पर देखने को मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। और जो भी साथी जानकारी जो आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक भी शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी वो मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो को मैं फिर मिलूँगा आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।